A very good afternoon, ma'am. I am Shree Badri, class 4th. Today I am going to read chapter number 5th, Prerak Prasang. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता? वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आजादी का पाठ पढ़ाया। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। वे सदैव सत्य बोलते थे। एक बार की बात है, जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे, एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक ने अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया। पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। अब उनके सहपाठी की बारी थी। गुरुजी ने उससे भी प्रश्न पूछे, परंतु वह कुछ भी न बता सका। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। यह देखकर गुरुजी को क्रोध आ गया। वे बोले, यदि तुम कक्षा में बातें करोगे तो पाठ कैसे याद होगा? फिर उन्होंने उसे कक्षा में खड़ा रहने की सजा दी। सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक से न रहा गया। वे तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी, मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए? तिलक बोले, गुरुजी, मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, पर समझाते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तिलक ने ही देशवासियों को नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। ओके।